हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक लैपटॉप लेकर आए हैं। लैपटॉप लेकर मतलब रिव्यूज़ करने वाले हैं लैपटॉप को। लेकिन वो लैपटॉप अगर आप फ्री फायर यूजर हैं, फ्री फायर गेम खेलते हैं और चाहते हैं कि आप लैपटॉप में खेलना, तो आप उसके लिए कौन सा लैपटॉप ले सकते हैं, कौन सा बेहतरीन होगा, वो चीज़ें और कम से कम प्राइस में। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कम बजट में आपको लैपटॉप प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जैसे कि और बेस्ट जो रहता है तरीका, अगर आप देखें गेमिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो मस्ट होता है आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो और उस लेवल का कॉन्फ़िगरेशन आपको लैपटॉप जो है 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे करके और प्लस में जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपको हम 30,000 के आसपास का लैपटॉप बता दें, तो क्या आप परचेज करना पसंद करेंगे? तो होप्स आप लोग पसंद कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, यह कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं यहाँ पे किसी तरह का कोई भी वीडियो को पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपके यूज के लायक हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और सजेस्ट करने के बाद जो आपको लगता है कि हमें परचेज करना चाहिए तो आप परचेज कीजिए। और परचेज करने के बाद अगर आप लोग को लगता है उसका रिव्यूज़, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता दूं, ये जो हम रिव्यूज़ लैपटॉप रिव्यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जिसका हम रिव्यू करेंगे, वो जो लैपटॉप है वो आप फ्री फायर का जो गेम होता है, ठीक है, उसे आप यहाँ पे खेल सकते हैं इस लैपटॉप में। लेकिन अगर वही बात करें BGMI का, तो BGMI का थोड़ा सा ग्राफिक हाई है और उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ BGMI वालों के लिए नहीं है, मतलब ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर वालों के लिए है, जो फ्री फायर खेलना पसंद करते हैं वो। और फ्री फायर जो खेलना पसंद करते हैं वो लैपटॉप में कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे खेल सकते हैं, और यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी हम बताएंगे आपको कितना क्या चाहिए सबसे कम प्राइस में। अगर आपको लगता है 10,000 में वो सिस्टम आपको ओल्ड मिल जा रहा है, मैंने कोई सेकेंड हैंड बेच रहा है, तो आप उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पे हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो स्क्रीनशॉट, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है द मिनिमम एंड रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर गरीना फ्री फायर एज फॉलोज, ठीक है। तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7, 8, 10, जो कि 64-bit आपको यहाँ पे, ठीक है, दिया गया है। उसके बाद CPU जो है आपको, मतलब जो प्रोसेसर होती है वो कोर i3 का प्रोसेसर 2.4 GHz स्पीड वाली आपको प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। उसके बाद रैम है 4GB, उसके बाद ग्राफिक्स इंटेल SD ग्राफिक्स 4000, उसके बाद यहाँ पे HDD 4GB, मतलब 4GB आपको हार्ड डिस्क में स्पेस खाली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो आप कीजिए। और इसी अगर आपका सिस्टम में इतना कुछ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो 40 Mbps के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। 40 Mbps मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका 5 Mbps तक आ जाता है, वो 40 Mbps की स्पीड जो है 5 Mbps तक आ जाता है, तो ये आपका गेम जो है कवर कर लेगा। लेकिन वही अगर आप सिस्टम रिक्वायरमेंट में आप इतना रखते हैं और आपका 20 Mbps भी स्पीड है तो ये कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिएगा, अगर आप 40 Mbps रखते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो 40 Mbps कंटिन्यू नहीं रहती है। इस बात को तो आप सब चीज जानते होंगे अगर वाईफाई यूज कर रहे होंगे, ठीक है। मोबाइल तो इतना खैर आपको देगा नहीं, अगर आप 5G यूजर हैं तो वो भी 4-5 Mbps आपको लेकर जाएगा, भले ही आपको 300, 400,
ऐसे करके बताता होगा, लेकिन वो 4 से 5 Mbps आपको स्पीड देगा, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं 40 Mbps का कोई अगर वाईफाई है, ऐसे तो एयरटेल अभी दे रहा है वाईफाई है, तो आप उसको यूज कीजिए और ये सिस्टम रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं 40 Mbps स्पीड पर, ठीक है। तब आपका यहाँ पे जो गेम है वो स्मूथली चल पाएगा, ठीक है। अगर आप 5 Mbps का स्पीड रखते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो आपका जो है गेम थोड़ा सा लैग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 5 Mbps की स्पीड तो आपने रखा ही है, तो वो जो जब आपका कनेक्टिविटी लेगा कनेक्ट होगा, ठीक है, गेम आपका कनेक्ट होगा, तो आपका जो स्पीड है वो लो हो जाएगा और लो हो जाएगा, तो जिसके कारण आपका गेम लैग करेगा, स्लो चलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको खेलते वक्त, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं वो लैपटॉप जिसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं क्लोज, अब चलते हैं पेज की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम सिस्टम को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं एसर कंपनी का है, ठीक है, और इसकी बेसिक चीजें काफी ठीक ठाक है। अभी हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट रेटिंग भी आप देख सकते हैं, रेटिंग भी हम आपको दिखाते हैं 4.1 की रेटिंग है, तो रेटिंग भी अच्छी खासी है, खराब कोई खराब रेटिंग नहीं है इसकी। यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखिए 4.2 का है, बैटरी भी 3.6 का है, डिज़ाइन भी 4.0 का रेटिंग मिला हुआ है और डिस्प्ले का है 3.8, ठीक है। तो नॉर्मली सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, मॉडल नंबर ये हो गया, पार्ट नंबर तो खैर ठीक है आप लोग देख लीजिएगा। गैस इस प्रोडक्ट का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये जब भी आएगी आप इसको नोटिफाई करके रखिएगा, आप इसको परचेज करना चाहें तो परचेज करके रख सकते हैं, ठीक है। तभी हम बात करते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ आप देख लीजिए, प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग है, तीन सेल वाली बैटरी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। एमएस ऑफिस प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब इस एमएस ऑफिस जो है आपको ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर और जो मेमोरी है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एएमडी का जो है प्रोसेसर ब्रांड, मतलब अब जो इंटेल का होता है वो यहाँ पे एएमडी का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर राइजन 3 क्वाड कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमने बताया था। उसके बाद SSD आपको इसमें मिलेगा, जैसे कि हार्ड डिस्क से ज़्यादा अच्छा होता है SSD, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो SSD मिलेगा वो 512 GB का है, ठीक है, और यहाँ पे रैम भी जो है आपको 8 GB मिल रहा है। तो देखिए गेम के लिए आपको यहाँ पे हमने दिखाया था 4 GB रैम मिनिमम है, तो यहाँ पे 8 GB रैम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिक अगर देखा जाए, ग्राफिक की बात किया जाए, तो यहाँ पे AMD Ryzen का ग्राफिक आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये और इसकी जो ग्राफिक है वो आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 11 होम टाइप का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद USB आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, HDMI पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेबल चार्जर के लिए यहाँ पे है, DC चार्जिंग के लिए है, जैक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद HDMI पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद USB आपको यहाँ पे 3.2 वर्जन का आपको मिल जाएगा USB, ठीक है। उसके बाद हैंडसेट स्पीकर जैक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे 3.0 का USB आपको इधर भी मिल जाता है देखने के लिए। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ब्लूटूथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वाईफाई भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे वेट आपको 2 kg के आसपास मिल जाता है वेट इसका, वजन इसका, ठीक है। और वेब कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वेब कैमरा भी आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको दिखा दें, तो क्लियर इमेज नहीं दिख रहा, बट वेब कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। माइक भी आपको यहाँ पे देखने को, इनबिल्ट माइक भी होगा इसमें, नॉइज रिडक्शन आपको यहाँ पे, जो आपका नॉइज भी कैंसिल कर सके, उसके बाद 1 ईयर का ऑन साइट वारंटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब भी आप इसको परचेज करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ से 1 साल का वारंटी आपको देखने को
मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कवर इन वारंटी आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में भी मैंने समझाया था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का वारंटी कब कवर होता है और नॉट कवर इन वारंटी कब होता है, फिजिकल डैमेज आप जैसे कि आपके हाथ से फूट गया है, किसी तरह का डेंट लग गया है, खराब हो गया है, तो उस स्थिति में आपको वारंटी कवर नहीं की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसे कि साउंड का इशू आ रहा है, मतलब साउंड का इशू आ रहा है, कीपैड का इशू आ रहा है, टच का इशू आ रहा है, ठीक है, कैमरा नहीं खुल रहा है, ये सब सारी चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आती है, तो ये सब का वारंटी आपको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपको कवर इन वारंटी और नॉट कवर इन वारंटी, हमने आपको दोनों समझा दिया। तो बाकी जो है आप लोग अपना जो है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में राय अपना दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग को यह अच्छा लगा होगा ये लैपटॉप, तो आप लोग कमेंट जैसा होगा कमेंट करके बताइएगा। और इसकी प्राइस जो है काफ़ी कम है, 27,990 के आसपास इसका प्राइस है, तो आप बस परचेज कीजिए और क्या गेम खेलिए फ्री फायर तुन कर, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।